गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सोल रैम्बलर। और आज का जो व्लॉग है सिर्फ इंफॉर्मेटिव व्लॉग रहेगा। वो इंफॉर्मेटिव इस वजह से रहेगा क्योंकि मेरी बाइक आ रही है दिल्ली से पुणे थ्रू रेलवे पार्सल्स, तो उस बारे में बताऊंगा मैं पूरा कि आप अपनी बाइक को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक थ्रू द रेलवेज, और रेलवे से भी कर सकते हो और थ्रू ट्रक्स वगैरह जो लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं उनसे भी कर सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन क्योंकि ट्रेन आने वाली है और मेरे को वहाँ पे उतरवाना पड़ेगा बाइक को। आने के बाद उस पर बैठेंगे, आते वक्त मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे आप अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू रेलवे एंड थ्रू द लॉजिस्टिक कंपनीज जिसमें ट्रक्स वगैरह और लोडिंग हो के जैसे भी आती है बाइक, को सब बताऊँगा मैं आपको। तो आगे के व्लॉग को कंटिन्यू करो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा रेलवे स्टेशन, पहले देखते हैं बाइक को, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसे आप अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बाय। बाइक तो खड़ी है, ये काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि दिस इज़ द सेफ वे टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक, या दिस इज़ वेरी वेरी सेफ, क्योंकि उधर भी बहुत सारी बाइक्स हैं। मेरा दूसरी बार है ये, और दोनों पुणे के लिए है, दिल्ली से पुणे, और कुछ खास दिक्कत नहीं आई, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कुछ ब्रेकेज वगैरह अभी तक तो कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा हेडलाइट भी कवर कर देते हैं ये, बहुत ही कम चांसेस होते हैं ब्रेकेज के। बाकी हो भी सकता है ब्रेकेज, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जैसे बाइक खड़ा होता है तो उसके ऊपर और ये बॉक्सेस वगैरह भी रख देते हैं, ये ब्रेकेज हो सकता है, वैसे है नहीं, हुआ नहीं है मेरे को, दो बार हुआ है। ओके है बाइक, ये लोग लेके जा रहे हैं बाइक को आगे पार्सल ऑफिस, फिर वहाँ पे थोड़ा पेपर वर्क होगा, फिर बाइक फ्री हो जाएगी, फिर हम उसे अपने ले जाएंगे रूम पे। 3000 whoop who's later. Welcome back everybody. So let's talk about how to transport your bike from one place to another place. Mainly there are two mediums. One is railway and another is any logistic company that is truck. तो पहले अपन बात करते हैं ट्रक की। ट्रक में रहेगा, बहुत सिंपल है ट्रक का इसलिए बता रहा हूँ मैं उसको पहले, जस्ट गूगल हाउ टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक फ्रॉम ट्रक, तो बहुत सारे एड्स आ जाएंगी सेपरेट सेपरेट प्राइवेट, जो भी जिनकी भी कंपनीज हैं उस पर क्लिक करो। आसपास अगर आपका घर मेट्रो सिटीज़ में है तो वहीं से आपके घर के नीचे से ही वो लेके जाएंगे बाइक को, और अगर आपको किसी मेट्रो सिटी में छोड़नी है तो वहीं पे ही छोड़ेंगे, बट उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं, वो डिस्टेंस के ऊपर होता है क्योंकि ट्रक ऑब्वियसली अगर 1500 किलोमीटर है तो 2 या 3 दिन लगेंगे। और चार्जेस भी अगर देखा जाए उस हिसाब से तो चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं होते, बट बाइक की सेफ्टी रहती है बहुत ज़्यादा। और ट्रक के अंदर भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है केज वाला और एक आता है विदाउट केज, वो आपके ऊपर है केज वाला करना है विदाउट केज करना है, बस आप गूगल खोलो और उस पर सर्च करो हाउ टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक, उसमें सब आ जाएगा आपको, लिंक आ जाएंगे, एड्स आ जाएंगी वेबसाइट्स की, और ट्रैवल एजेंसीज होती हैं मूवर्स और पैकेज वाली, मूवर्स के जितने भी एड्स हैं वो सभी आ जाएंगे। ये था ट्रक का, और ट्रेन का रहे इन रेलवे देर आर मेनली 2 मोड्स, दैट वन इज लगेज एंड अनदर वन इज पार्सल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लगेज की। लगेज में होता है कि आपको सबसे पहले एक कंफर्म टिकट होना चाहिए आपके पास, और कंफर्म टिकट हो जाती है आपकी तो दिल्ली या किसी भी सिटीज में जिसमें भी आप रहते हो वहाँ पे पार्सल ऑफिस में जाओ, रेलवे के जो भी आसपास कोई बड़ा स्टेशन होगा जंक्शन होगा वहाँ जाओ जहाँ से डायरेक्ट ट्रेन हो इनिशियल टू फाइनल डेस्टिनेशन तक की। तो आपको सिर्फ वहाँ जाना है, अपने बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिसमें RC इंश्योरेंस पोल्यूशन और अपनी टिकट जो कि कन्फर्म्ड है, उसके बाद वहाँ जाके अपने बाइक के लिए या किसी भी कुरियर या किसी भी सामान के लिए एक स्पेस बुक कराना पड़ेगा आपको, उसके चार्जेस लगेंगे
जो टिकट के लग चुके हैं वो अलग से हैं और इसके अलग से चार्जेस लगेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ योर बाइक और अकॉर्डिंग टू मॉडल, जो भी प्राइस रेंज वेरी करेगा उस हिसाब से। और 300 रुपीज़ वहाँ पे बाइक का पैकिंग का चार्जेस लगेगा, वो चढ़ाएंगे भी आपकी बाइक को और फाइनल डेस्टिनेशन पे उतारेंगे भी, वही उतारेंगे आपकी बाइक को। ये तो है लगेज में। और अब मैं बताता हूँ पार्सल का क्या रहता है। आप पहले से ही किसी सिटी में हो और आपको कोई भी अपनी बाइक या स्कूटी टू व्हीलर कुछ भी अगर अपने पास मंगवाना है तो वो बाय पार्सल होगा। उसमें आपको कोई कंफर्म टिकट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइप की टिकट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ज़रूरत है, आपको जाना, आपकी फैमिली मेम्बर को या आपके फ्रेंड को जाना पड़ेगा आपका टू व्हीलर लेके किसी भी पार्सल ऑफिस पे, जो कि रेलवे का होगा, स्टेशन पे होगा। तो वहाँ पे आपको प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनीज या प्राइवेट कुरियर कंपनीज, कैरियर कंपनीज मिलेंगी, वो आपकी बाइक को पार्सल कर देंगे। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़, 1500, और पर किलोमीटर के हिसाब से हर सिटी का डिफरेंट होगा। तो जो भी लगेगा पार्सल का वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है लगेज से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी करती है तो ऑब्वियस है कि एक्स्ट्रा लगेगा। और वो आपको मिल जाएगी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, बाइक उतार के देंगे, वो चढ़ाएंगे भी, वो सेम चार्जेस लगेंगे पैकिंग के 300। बस इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको ट्रेन में साथ नहीं जाना पड़ता या किसी को साथ नहीं जाना पड़ता, बट लगेज में जाना पड़ता है। बस यही डिफरेंट है दोनों में। और प्राइस का तो डिफरेंट आएगा ही, 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी जो पार्सल करती हैं उनका भी अपना कमीशन होता है कुछ, तो वो अपना कमीशन आपसे लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये था दोनों का, पार्सल का और लगेज का। और अब बात आती है सेफ्टी की, कि इज दिस द सेफ मोड टू ट्रांसपोर्ट। यस, वेरी वेरी सेफ है ये, दिस इज़ वेरी वेरी सेफ मोड टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि ये है, पहली बात ये है कि हमेशा बड़े स्टेशन से बाइक चढ़ाओ, जहाँ से डायरेक्ट बाइक फाइनल पॉइंट पे उतरे बाइक। तो उससे क्या होगा, आपकी बाइक को बार बार डिस्प्लेस नहीं करेंगे वो, इससे जैसे एक प्लेस पे खड़ी रही है बाइक, वैसे की वैसी आपकी उतरेगी बाइक। अगर आप किसी छोटे स्टेशन से चढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है, बाइक उतरेगी फिर चढ़ेगी, जैसे जंक्शन पे चेंज होते हैं तो इधर उधर करने में, डिस्प्लेस करने में बाइक को नुकसान भी हो सकता है। तो ये बात सबसे मेन ध्यान रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो मेन है वो है, कभी भी पैसेंजर ट्रेन में बाइक को लगेज में मत लगाओ, हमेशा एक्सप्रेस में लगाओ, क्योंकि जितनी जल्दी बाइक पहुँचेगी उतना फ़ायदा है। क्योंकि लगेज में अगर पैसेंजर में करते हो, पैसेंजर लगेज में थोड़ा सा सस्ता होता है और बहुत सारा सामान चढ़ता है उसमें, बहुत गंदे तरीके से फील करते हैं वो लगेज बॉक्स को। तो बेस्ट रहता है एक्सप्रेस में चलाओ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉस्टली होता है और चांसेस बहुत कम रहते हैं डैमेज होने के, तो सबसे बेस्ट वही है। बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अंटिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड एक्सप्लोर मोर, एंड बाय बाय।